नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ। और इस वीडियो में उस वैकेंसी की डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी डिटेल है वो आपसे मिस ना हो। पहले पोस्टों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजर की एक पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, ये जो भी डिप्लोमा कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है, वो किया हुआ होना चाहिए। DEIC मैनेजर की एक पोस्ट है। CPHC कंसल्टेंट की एक पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन या MPH या MH का जो कोर्स होता है वो किया हुआ होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर आयुष PG के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए यूनानी के अंदर। मेडिकल ऑफिसर RBS की, मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है, इसके लिए BAMS। मेडिकल ऑफिसर RBS की LMO की चार पोस्ट है, इसके लिए भी BAMS डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद UG की एक पोस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की दो पोस्ट है। और मेडिकल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए यूनानी के अंदर, और ऑडियोलॉजिस्ट के लिए डिग्री होनी चाहिए ऑडियोलॉजी के अंदर। अब देखते हैं स्टाफ नर्स फीमेल की पोस्ट है, 26 पोस्ट है, इसके लिए GNM या BSc नर्सिंग यदि आपने की है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं सुपरवाइजर की एक पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की तीन पोस्ट हैं, डेंटल टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, ब्लॉक अकाउंटेंट की एक पोस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट DEIC की एक पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं सबके लिए क्वालिफिकेशन दे रखी है और इसकी PDF है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर विजिट कर सकते हैं, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। उसके बाद सोशल वर्कर की तीन पोस्ट हैं, फार्मासिस्ट की दो पोस्टें हैं और ब्लॉक फैसिलिटेटर की दो पोस्टें हैं। सोशल वर्कर के लिए जो मल्टीपर्पज़ सोशल वर्कर का कोर्स होता है वो किया हुआ होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए B Pharma या D Pharma कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और ब्लॉक फैसिलिटेटर के लिए ग्रेजुएशन किया तो अप्लाई कर सकते हैं। एज अब सभी के लिए अलग अलग रहने वाली है, लेकिन एज क्राइटेरिया 38 से 70 साल के बीच में रहेगा। सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर होगा। पर मंथ जो पेमेंट है वो 7500 से लेकर 35000 रुपये तक आपको मिलने वाली है। फीस की बात करें तो फीस आपको जो ओपन कैंडिडेट्स हैं यानी जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 150 रुपये फीस, बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। आपको करना क्या है, इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना है NHE परभनी, वहाँ पर नोटिफिकेशन को चेक करना है, अप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है। अप्लीकेशन फॉर्मेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फीस है वो जमा करवानी है, उसके बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं और इस एड्रेस पर सेंड कर देना है। एड्रेस देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन मासूम कॉलोनी परभणी महाराष्ट्र, ये इसके पिन कोड दे रखे हैं। आपको ये सेंड करनी है 12 जून 2023 से पहले पहले। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कहाँ की है और इसके अंदर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं NHM जिला एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसाइटी परभणी के द्वारा वैकेंसी निकली है। पोस्टों की हम बात कर ही चुके हैं, ये देख सकते हैं पूरा, और ये इसकी ऑफिशियल साइट दे रखे हैं। तो इसकी PDF डाउनलोड करना, उस PDF डाउनलोड करने के बाद ये जो ब्लू लाइन दिखा रही है, ब्लू लाइन के अंदर लिखा हुआ है ना JadParbhani.gov.in, इसके ऊपर आपको टच करना है। टच करते आप इसकी ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे और डायरेक्ट वहां पर आप जो भी जानकारी चाहिए आपको प्राप्त कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पोस्टें यहां पर दे रखी हैं, पर मंथ पेमेंट भी इनका दे रखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर पद संख्या, ये आरक्षण और यहाँ पर मंथ पेमेंट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पूरी डिटेल्स दे रखी है। और बाकी जो ये अगर बात करते हैं तो ये मराठी के अंदर नोटिफिकेशन, इसलिए हमने थोड़ा सा इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं। फीस की हम बात कर ही चुके हैं, फीस है वो आपको बात करें DD के द्वारा जमा करवानी पड़ेगी। ये DD बनेगी चेक अथवा DD, ये बनेगी कार्डियाना साणी बकेत पैसे, ये देख सकते हैं, ये इनमें जो DD बनने का जो एड्रेस है ये देख सकते हैं, इसके नाम से DD बनेगी। ये थोड़ा सा मराठी के अंदर है तो थोड़ा सा पढ़ने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी डिटेल्स है इस नोटिफिकेशन के अंदर दे रखी है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, उसको पूर्ण रूप से फिलअप करना है, रिलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को लगा देना है और उसके बाद आपको सेंड कर देना है। ये देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। डाउनलोड कीजिए, पूर्ण रूप से फिलअप कीजिए और इसको सेंड कर दीजिए। सेंड करने के एड्रेस की हम बात कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन मासूम कॉलोनी परभणी महाराष्ट्र, ये पिन कोड इसके यहाँ पर सेंड कर देना है। तो इस प्रकार ये काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहे ज़रूर अप्लाई कीजिए, अनुभव को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। जो NHM के अंदर जो वैकेंसी होती है
उनके लिए यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती जिसमें अनुभव चाहिए तो उनके लिए यहाँ पर बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अनुभव बढ़िया मिलता है, अनुभव के नंबर भी यहाँ पर जुड़ते हैं एनएसपी के अंदर काम किए हुए तभी। तो ठीक है, ज़रूर अप्लाई कीजिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, और इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई भर्ती एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।